दोस्तों आपको क्या लगता है कि आप अपने YouTube चैनल पे वीडियोस अपलोड करके छोड़ देंगे तो उस पर आपको व्यूज़ या फिर सब्सक्राइबर्स मिल जाएगा? दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं, अपना YouTube चैनल पे रेगुलर बेसिस पे मान लीजिए काम कर रहे हैं, डेली के डेली वीडियोस अपलोड कर रहे हैं या फिर दो तीन में एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं और अपलोड करके छोड़ देते हैं और आप ऐसा सोचते हैं कि मेरा काम खत्म हो गया, मैंने वीडियोज़ अपलोड कर दिया है, अब उस पर व्यूज़ आ जाएगा फिर सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे, तो दोस्तों आप बहुत बड़ा गलत फहमी में हो। दोस्तों अगर वीडियोज़ अपलोड करके छोड़ देने से किसी भी वीडियोज़ में व्यूज़ या फिर उस वीडियो से सब्सक्राइबर्स मिल जाता तो आज सभी लोग यूट्यूबर बन गया होता। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप जिस भी वीडियोस में आपका व्यूज नहीं आ रहा है उस वीडियो को आप फिर से किस तरह से बूस्ट करके उस वीडियो में आप व्यूज और सब्सक्राइबर्स गेन कर सकते हैं। सो गाइस अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि वीडियोस अपलोड करके छोड़ देने से वीडियोस में व्यूज आ जाएगा और सब्सक्राइबर्स आ जाएगा या फिर जाके वहां से अपने स्टूडियो में चेक करते हैं या फिर अपने ट्यूबबटी एप्लीकेशन में चेक करते रहते हैं कि उस वीडियो से मुझे कितना व्यू मिला फिर कितना सब्सक्राइबर्स मिला, तो दोस्तों आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। अगर आपको वीडियोस अपलोड किए हुए हैं और उस वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रहा है और आप बार बार रिफ्रेश पेज को रिफ्रेश करके चेक कर रहे हैं कि व्यूज़ की नहीं है, व्यूज़ क्यों नहीं आ रहा, आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर रहे हैं व्यूज़ नहीं आ रहा है और तरह तरह के आप वीडियोज़ देख रहे हैं, तो दोस्तों आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। अगर आपके उस वीडियो में व्यूज़ नहीं आ रहा है तो आपको 12 से 24 घंटे के बाद उस वीडियो का एनालिटिक्स चेक करना होता है और उस वीडियो का रिस्पांस देखना होता है कि उस वीडियो में रिस्पांस कुछ मिल भी रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। उस वीडियो का आपको रिस्पांस और एनालिटिक्स चेक करना होता है कि पब्लिक का रिस्पांस क्या है। उस वीडियो का आपको टाइटल, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन सब कुछ चेक करना होता है, टैग वगैरह सब कुछ आपको चेक करना होता है कि मेरा टैग रैंक कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आपको कोई भी वीडियो का टैग रैंक नहीं करता है तो आपका वीडियोस पब्लिक के बीच नहीं जाएगा और आपका वीडियोस कोई देख नहीं पाएगा। तो दोस्तों चलिए मैं बताता हूँ कि किस तरह से आपको वीडियो को बूस्ट करना है। दोस्तों मैंने एक वीडियो को उसी तरह से बूस्ट किया हुआ था तो उस पर अच्छा खासा मुझे व्यूज़ मिल गया है। तो चलिए सबसे पहले मैं अपना उस वीडियो को दिखाता हूँ जिस वीडियो को मैं बारे में बात कर रहा हूँ। उसी वीडियो को मैंने इसी तरीके से बूस्ट किया था जिस तरीके से मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। तो यहाँ से चलिए मैंने यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है और यहाँ पर आपको उस वीडियो को दिखाता हूँ जिस वीडियो पर मैंने बूस्ट किया था और उसके बाद देखिए आप व्यूज़ कितना मिला है। आप यहाँ पर देखिए ये ट्यूब बडी टैग रैंकिंग नॉट वर्किंग पे मैंने एक वीडियो क्रिएट किया हुआ था ट्यूब बडी एप्लीकेशन पे कि ट्यूब बडी एप्लीकेशन पे आपका टैग रैंक नहीं करता, तो उस पर मैंने यहाँ पे व्यूज़ बूस्ट किया हुआ था तो यहाँ पे देखते हैं 9.9K व्यूज़ आया हुआ है। तो दोस्तों ये कैसे किया, दोस्तों इस सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो क्या करना है, अगर आपके वीडियोस में व्यूज़ नहीं आ रहा है तो आपको YT स्टूडियो को ओपन कर लेना है। तो यहाँ से चलिए मैं अपना YT स्टूडियो को ओपन कर लिया और उसके बाद उस वीडियो को आपको ओपन करना है जिस वीडियो में व्यूज़ नहीं आ रहा है। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ था दो दिन पहले, तो आप यहाँ देख सकते हैं 132 व्यूज़ आया हुआ है, 8 लाइक और 4 कमेंट है। तो ये वीडियो का रिस्पांस मुझे ठीक ठाक नहीं लग रहा है, फिर पब्लिक के बीच ऐसा ये वीडियो अच्छा खासा रिस्पांस नहीं कर रहा है। तो इस वीडियो का एनालिटिक्स आपको कंप्लीट चेक करना है कि इस वीडियो में व्यूज़ क्यों नहीं आ रहा है। तो बस इस वीडियो को ओपन कर लेना है और यहाँ पर देखिए आपको एक गो टू एनालिटिक्स का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आना और यहाँ पर आप देखिए गो टू वीडियो एनालिटिक्स का एक ऑप्शन दिख रहा है, बस इस पर आपको टच कर देना है। जैसे ही आप इस पर टच करते हैं तो आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक व्यूज़ और दूसरा यहाँ पे आपको वॉच टाइम की उस वीडियो से आपको वॉच टाइम कितना मिला है और यहाँ पे अगर आप स्लाइड करेंगे तो यहाँ से आपको सब्सक्राइबर देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो से मुझे 0 सब्सक्राइबर्स मिला है, मतलब एक भी सब्सक्राइबर्स नहीं मिला है और व्यूज़ भी अच्छा खासा नहीं है। मतलब अगर आपके 10-20 व्यूज, 50 व्यूज, 100 व्यूज के अंदर वो रुक रहा है तो आप वीडियो को एक बार बूस्ट जरूर करिए। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपका वीडियोज़ रैंक नहीं कर रहा है, व्यूज़ नहीं जा रहा है तो आपको एक बार वीडियो को बूस्ट करना होता है। अब बोलिएगा बूस्ट कैसे करते हैं, तो इस वीडियो में आगे कंप्लीट देखिए, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो यहाँ से आप अपने वीडियो का एनालिटिक्स देख लिए, यहाँ पे आपका व्यूज़ भी नहीं जा रहा है, वॉच टाइम भी क्लियर नहीं हो रहा, सब्सक्राइबर्स भी नहीं मिल रहे हैं। तो क्या करना है, आपको अपने मोबाइल फ़ोन में vidIQ एप्लीकेशन को ओपन करना है। दोस्तों अगर आप vidIQ एप्लीकेशन को यूज नहीं करना सीखे हैं या फिर vidIQ एप्लीकेशन के नाम आप अगर पहला बार सुन रहे हैं तो vidIQ एप्लीकेशन अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। और vidIQ एप्लीकेशन पर मैंने एक फुल वीडियो बनाया हुआ है ट्यूटोरियल, वो आप मेरे चैनल पे वीडियोस में जाके आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको vidIQ एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो जैसे आप vidIQ एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको वो सारा वीडियोस देखने को मिल जाएगा जो भी आप अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं पहले से। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप जैसे ही vidIQ एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे में एक ऑप्टिमाइज का ऑप्शन मिलेगा, बस इस ऑप्टिमाइज के ऑप्शन पे आपको टच करना है। जैसे आप ऑप्टिमाइज के ऑप्शन पे टच करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए कि जो मैंने सबसे पहले अभी दो दिन पहले वीडियो अपलोड किया हुआ है वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो इस वीडियो पे मुझे उतना रिस्पांस नहीं मिल रहा है, पब्लिक उतना ही ज़्यादा इस पर चॉइस नहीं कर रहा है इस वीडियो को। तो इस वीडियो को अभी मैं बूस्ट करके दिखाने वाला हूँ किस तरह से बूस्ट करना है। जैसे अगर आपको अपना वीडियो को बूस्ट करना है ना, तो बूस्ट करने का तीन तरीका है। आप अपने वीडियो का थंबनेल चेंज कर दीजिए, आप अपने वीडियो का टैग
टैग दूसरा लगा दीजिए, टैग जो भी हो, तो टैग भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि टैग कैसे लगाना है। तो इस वीडियो को ओपन कर लेना है, उसके बाद आपको अपना वीडियो का SEO देखना है कि आपने जो वीडियो अपलोड करते समय SEO किया था वो 100% हुआ था या नहीं हुआ था। तो बस यहाँ पे देखिए आपका वीडियो का यहाँ पे आपको टाइटल दिख जाएगा और आपका वीडियो का यहाँ पे आपको ये थंबनेल दिख जाएगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और ऊपर में आपको यहाँ पे देखिए एक SEO का ऑप्शन मिल रहा है, SEO का मतलब आपने जो वीडियो में SEO कर रखा है, टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल जो भी आपने लगाया है वो SEO बढ़िया तरीके से कर रखा है या नहीं। अगर यहाँ पे आपको 46 दिखता है, अगर आपको 46 से जितना ज़्यादा दिखता है, 47, 48, 49, 50 अगर दिखता है तो आपका SEO 100% है। अगर आपको 40 से कम, मान लीजिए 40 दिख रहा है, 41 दिख रहा है, तो SEO 100% नहीं है। आपको कम से कम 100% SEO करने के लिए 46 लाना ही होगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा 46 यहाँ पे है, तो SEO मेरा 100% हो चुका है। तो बस यहाँ पे क्या करना है कि आपको अपना वीडियो का थंबनेल चेंज कर देना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका वीडियोस में व्यूज़ नहीं जा रहा है तो आपका वीडियोस का थंबनेल चेंज कर देना है, और दूसरा यहाँ पे आपके वीडियोस का टाइटल चेंज कर देना है, और तीसरा अपने वीडियोस का टैग भी चेंज कर देना है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, आपको ये देख रही यहाँ पे मेरा टाइटल दिख गया। अब यहाँ पे आपको एक चेकलिस्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, बस इस चेकलिस्ट के ऑप्शन पर टच कर देना है, और यहाँ पे आपको ये वीड आई क्यू एप्लीकेशन खुद बताएगा आपका वीडियो का टाइटल कैसा है, अच्छा है, ख़राब है, मतलब लेंथ ज़्यादा है, कम है। तो यहाँ पे आप देखिए टाइटल लेंथ, जो कि टाइटल लेंथ 60 होना चाहिए और यहाँ मेरा 86 हो गया, तो ये वीड आई क्यू एप्लीकेशन बता रहा है कि लेंथ ज़्यादा हो गया है, तो आप इसे कम कर सकते हैं। अगर आपको ये पता नहीं कि हम अपने वीडियो का टाइटल कैसे लगाएं या फिर कौन सा लगाएं, मुझे कुछ पता नहीं है, तो दोस्तों आपको इस पर टच करना है, और आपने जो भी अपने वीडियो में टाइटल लगाया हुआ है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अपना वीडियो का टाइटल मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो का टाइटल चेंज करना है तो आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको देखिए कुछ टाइटल्स आपको शो करता दिखेगा, ये आपको वीड आई क्यू एप्लीकेशन आपको बताता है कि इस तरह से अपना टाइटल लगाइए। तो आप स्क्रॉल करके इस तरह से देख सकते हैं, जो भी आपको टाइटल लगाना है बस इस प्लस के आइकन पे अगर आप टच करोगे तो यहाँ पे आपका टाइटल लग जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे इस तरह से स्क्रॉल करके आपको जो भी आपको टाइटल लगाना है, जो भी आपको टाइटल दिखा रहा है वीड आई क्यू एप्लीकेशन, ये सर्चेबल टाइटल है, मतलब इस तरह से लोग सर्च करते हैं यूट्यूब पर जाके, तो वही आपको शो कर रहा है। अगर इस तरह से आप अपने वीडियो में टाइटल लगा लेते हैं, और तो टाइटल लगा देते हैं, थंबनेल अट्रैक्टिव लगा लेते हैं, तो यहाँ से आपको क्या होगा कि आपका वीडियोस में रिस्पांस मिलेगा, आपका वीडियोस अच्छा खासा व्यूज आएगा। तो दोस्तों यहाँ से आप इस तरह से टाइटल चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन का लेंथ क्या है, देखिए डिस्क्रिप्शन लेंथ मतलब डिस्क्रिप्शन लेंथ होना चाहिए, मतलब जो भी आपको वीड आई क्यू एप्लीकेशन बताता है, अगर आपका डिस्क्रिप्शन का लेंथ कम होगा तो यहाँ पे आपको क्रॉस का सिंबल दिख जाएगा, जो कि यहाँ पे मेरा डिस्क्रिप्शन बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे सिग्नेचर का सही का एक टिक लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। आपको अपना डिस्क्रिप्शन में दोस्तों क्या करना होता है, जो भी आपने टाइटल में टाइटल लगाया हुआ है वही आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी एक दो कीवर्ड यहाँ पे ऐड करना होता है, तो इस तरह से आप डिस्क्रिप्शन भी लगा सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको टैग अगर आपका रैंक नहीं कर रहा है तो आपको जो भी टैग रैंक नहीं कर रहा है बस उसको यहाँ से क्लोज कर देना है, और यहाँ पे आपको अपने से खुद से अगर आपके माइंड में जो भी टैग चल रहा है आप यहाँ से टाइप करके उसे सर्च करके देख सकते हैं वो टैग रैंक कर रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे टैग सही नहीं लग रहा है तो आपको बैक करना है, और यहाँ पे आपको होम के ऑप्शंस पे आना है, फिर से आप ऑप्टिमाइज के ऑप्शंस पे आना है, टच करना है, और यहाँ से आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, और यहाँ पे आपको देखना है एक आपको टैग रैंक, टैग आपको वीड आई क्यू एप्लीकेशन खुद बताएगा कि आपके वीडियो के लिए कौन सा टैग रैंक कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉन्ग वीडियो वायरल कैसे करें, यूट्यूब वीडियो वायरल कैसे करें, हाउ टू वायरल शॉर्ट्स वीडियो ऑन YouTube। तो इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपको वीड आई क्यू एप्लीकेशन बताता है कि आप अपने वीडियो के लिए कौन सा टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन में कौन सा कीवर्ड लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका वीडियोस में कोई व्यूज़ नहीं आ रहा है और आप परेशान हो गए कि मेरे वीडियोस में व्यूज़ नहीं आ रहा है, क्या करना है, तो दोस्तों आप यहां से इस तरह से वीडियो को बूस्ट करके बहुत ही आसानी से आप अपने वीडियो को बूस्ट करके बहुत ही आसानी से व्यूज़ और सब्सक्राइबर इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप ऐसा सोचते हैं कि बस मेरा काम खत्म हो गया, कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया बस मेरा काम खत्म हो गया, दोस्तों ऐसा नहीं है, आपको वीडियो का एनालिटिक्स चेक करना पड़ता है, 12 से 24 घंटे के अंदर आपको उस वीडियो का रिस्पांस देखना पड़ता है कि उस वीडियो में कोई रिस्पांस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, पब्लिक का क्या रिस्पांस है उस पर, मेरे वीडियोज़ का थंबनेल पब्लिक को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर आपको वीडियोज़ को अगर व्यूवर्स क्लिक नहीं कर रहे हैं, व्यूज़ नहीं जा रहा है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने वीडियोस का थंबनेल चेक करना है और अट्रैक्टिव चेंज करना है और अट्रैक्टिव थंबनेल लगाना है। अगर अट्रैक्टिव थंबनेल लगाते हो तो दोस्तों आपका वीडियोस में जरूर व्यूज़ आएगा। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।